वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो आपको शेयर कैपिटल के फोर फीचर रीइशू विद प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रिपेयर अप्लाइड अलॉटेड टेबल फॉर प्रोराटा केस। जब भी क्वेश्चन आए प्रोराटा अलॉटमेंट का, तब आपको क्या बनानी है, अप्लाइड अलॉटेड टेबल बनानी है। अब ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होती है, जब आपके अप्लाइड शेयर्स होते हैं ज्यादा, कितने से, जितने भी आपकी कंपनी इशू करती है शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई, लोगों ने 72,000 के लिए अप्लाई कर दिया। क्या करा कंपनी ने, 40,000 एप्लीकेंट्स को दिए 20,000 शेयर्स, 30,000 एप्लीकेंट्स को दिए उनको भी 20,000 शेयर्स दिए, और जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स थे उनका पैसा रिफंड कर दिया। अब यहां पर हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर एक टेबल बनाएंगे। हमने टेबल कैसे बनाई, 40,000 शेयर्स को 20,000 दिए, तो हमने अप्लाइड में लिखा 40,000, अलॉट में लिखा 20,000, रेशो आ गई 2:1, मतलब जिसने दो शेयर मांगे उसको एक शेयर दिया। 30,000 शेयर्स वालों को 20,000 शेयर्स दिए, इसका मतलब जिसने तीन शेयर मांगे उसको दो शेयर दिए, और उसके बाद 2,000 शेयर्स वालों को कर दिया है हमने रिफंड, मतलब उनका पैसा कर दिया है वापस। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि हमें अगर अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं, इफ वी हैव टू फाइंड अप्लाइड शेयर्स, और आपको शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर्स गिवन है, तब आप क्या करेंगे, तब आप सिंपल जो भी अप्लाइड का रेशो होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो भी अलॉट का रेशो होगा उसको नीचे रखेंगे। सिंपल सी बात यह है कि आपको जो भी शेयर निकालने हैं, बी इट अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो आप अप्लाइड का रेशो ऊपर रखेंगे और अलॉट का रेशो नीचे रखेंगे और अलॉटेड शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन यहां पर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के पास अलॉटेड शेयर्स हैं 700, उनके अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। अप्लाइड शेयर्स कैसे निकलेंगे, अप्लाइड शेयर्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है अप्लाइड का रेशो ऊपर, कैटेगरी वन की अगर हम बात करते हैं तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2/1 इंटू उनके अलॉटेड शेयर्स 700, तो उनके टोटल अप्लाइड शेयर्स आ गए 1400 शेयर्स। ऐसे करके हम, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे करके हम ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं कि हमें उनके पास मिस्टर ए को अलॉटेड शेयर्स थे 700, अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए क्या करा, वो कैटेगरी वन में बिलोंग करते हैं, तो अप्लाइड का रेशो ऊपर अलॉट का रेशो नीचे, अप्लाइड का रेशो ऊपर अलॉट का रेशो नीचे। ऐसे ही अगर वो आपको बोल दे कि आपको यहां पर अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं और ये मिस्टर ए के अप्लाइड शेयर्स हैं, तो अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए अलॉट का रेशो ऊपर अप्लाइड का रेशो नीचे 1/2 इंटू 1400, जो कि आपका आंसर कितना आएगा 700 शेयर्स। तो यही था हमारा पहला पॉइंट जिसमें आपको अप्लाइड और अलॉटेड टेबल बनानी है। तब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग इस पॉइंट में गलती करते हैं। वो पॉइंट क्या है कि अगर इफ प्रीमियम इज नॉट पेड, अगर एक शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया है, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यानी SPR इज डेबिटेड इन एंट्री ऑफ फोरफीचर, मतलब जो भी फोरफीचर की जो एंट्री होती है उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तब एंट्री क्या होगी, जब एक शेयर होल्डर अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा पे नहीं करता, तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, जो भी उसने पैसा पे नहीं किया है, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं टाइम की कमी की वजह से। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर्स और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। चलिए बात करते हैं फिर अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि हम एक शेयर के रीइशू पर दे सकते हैं, या जो कंपनी एक शेयर के रीइशू पर कितना मैक्सिमम डिस्काउंट देती है, वो हमेशा बराबर होता है किसके बारे में,
अमाउंट फोरफीटेड ऑन वन शेयर, ये मैक्सिमम डिस्काउंट की बात कर रहा हूं मैं, इससे कम पे भी हो सकता है मैक्सिमम। अब देखते हैं, समझते हैं एंट्री से। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 100 शेयर्स फोरफीट करे, एक शेयर 10 रुपए का था, तो एंट्री हुई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स, उसने कितने के पे नहीं करे, शेयर होल्डर ने 6 रुपए की कॉल्स पे नहीं करी, 10 में से 6 उसने पे नहीं करा तो कितना पे कर दिया था, 4 रुपए पे कर दिए थे। तो एंट्री कुछ ऐसे हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 शेयर फोरफीचर। अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट रीइशू ऑफ वन शेयर पे कितना हो सकता है। सबसे बेसिक बात यही है कि जितनी भी अमाउंट आप फोरफीट करते हैं ना, इसी को आप आगे रीइशू पे एज ए डिस्काउंट यूज करते हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है, 4। इसका मतलब जो सबसे कम रीइशू प्राइस होगा, सबसे कम रीइशू प्राइस वो कितना होगा, ₹6। अब जरूरी नहीं है कंपनी 6 पे इशू करेगी, कंपनी उसको 7 पे इशू कर सकती है, मतलब कंपनी 3 रुपए यूज करेगी, 1 रुपया बच जाएगा, कंपनी 8 पे यूज कर सकती है। कहने का मतलब यह है कंपनी 6 से कम 5 रुपए पे किसी भी शेयर को रीइशू नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनी को डिस्काउंट पे शेयर इशू करने से रेस्ट्रिक्ट करता है। चलिए बात करते हैं आपने आज के इस लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट में गलती करते हैं, तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट को। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू द अनयूज्ड शेयर फोरफीटेड अमाउंट ऑन रीइशूड शेयर्स। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब बहुत सिंपल भाषा में यह है कि जितने भी शेयर्स आप रीइशू करेंगे, सिर्फ उतने ही शेयर्स का पैसा कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर होगा। समझते हैं इसको एक क्वेश्चन से। कंपनी ने 100 शेयर्स फोरफीट करे जिसके ऊपर 10 रुपए मंगाए गए थे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक शेयर होल्डर ने 6 रुपए पे नहीं करे तो 2 कॉल्स इन एरियर्स, 4 रुपए उसने पे कर दिए तो 2 शेयर फोरफीचर 400। तो एंट्री हुई आपकी 1000 रुपए से शेयर कैपिटल, 600 रुपए से कॉल्स इन एरियर्स और 400 रुपए से शेयर फोरफीचर। अब कंपनी ने रीइशू करे हैं 70 शेयर्स। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि फोरफीट करे थे 100 लेकिन रीइशू करे हैं 70, तो कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी ने कम शेयर रीइशू करे हैं। कितने रुपए पे रीइशू करा है? 9 रुपए पे, 9 रुपए फुल्ली पेड अप पे। इसका मतलब कंपनी ने 9 रुपए मंगाए और शेयर दे दिया 10 रुपए का, तो 1 रुपए का कंपनी ने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कहां से होता है, हमने पिछले पॉइंट के अंदर पढ़ा है, शेयर फोरफीचर के अमाउंट से डिस्काउंट को यूज किया जाता है। तो 1 रुपए का डिस्काउंट कहां से लिया हमने, शेयर फोरफीचर से लिया। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। 70 शेयर्स पे 9 रुपए मंगाए और 70 शेयर्स पे 1 रुपए का जो डिस्काउंट था वो कंपनी ने अपनी जेब से भरा। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट 630, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 70 और 2 शेयर कैपिटल 700। अब यहां पे जो सवाल आता है, वो सवाल आता है कि कैपिटल रिजर्व के अंदर शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री है, उसमें कितनी अमाउंट आएगी। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो यहां पे 100 से एंट्री करके आते हैं, वो क्या करते हैं, वो 400 में से 70 माइनस करते हैं और यहां पे लिख के आ जाते हैं 370, जो कि गलत आंसर है, जो कि सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है वो सही आंसर, क्योंकि उतनी ही अमाउंट ट्रांसफर करनी है जितनी रीइशूड शेयर्स पे बची है। अब जो आपके रीइशूड शेयर्स हैं वो है 70। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, आप उस बात को बहुत ढंग से याद रखिएगा कि आपके ये शेयर्स नहीं है। जी हाँ, ये शेयर्स नहीं है, ये है टॉफी, ये टॉफी है। अब उस टॉफी को आपने, 10 रुपए की टॉफी को आपने 9 रुपए पे इशू करा, तो 1 रुपए का आपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। हमें क्या करना है, हमने कितनी टॉफी बेची, हमने 70 टॉफी बेची, तो 70 पे हमारी एक टॉफी पे फायदा कितना था, 4 रुपए का फायदा था, मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 4 में से 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपए बचे, 3 रुपए बचे। अब आप बुक के हिसाब से करेंगे तो पूरा फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वो फॉर्मूला कभी कभी लगता है, ये हर वक्त लगेगा, ये ट्रिक आपको हर वक्त देखने को मिलेगी। ये भी समझ सकते हैं कि एक शेयर के ऊपर 4 रुपए फोरफीट करें, उसमें से 1 रुपया यूज कर दिया, 3 रुपए बचे। रीइशू शेयर कितने हैं, 70, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, 70 के ऊपर 3, 210 रुपए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो
तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ या कोई भी ऐसे लोग जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। वीडियो को सेव करना मत भूलें, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, कीप स्टडिंग।